सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे इंडस्ट्रियल फार्मेसी फिफ्थ सेमेस्टर का प्रैक्टिकल नंबर 11। इस प्रैक्टिकल में हम देखेंगे टू प्रिपेयर इवोल्यूट एंड सबमिट ऑफ 15 ग्राम ऑफ अ कोल्ड क्रीम। हम कोल्ड क्रीम का प्रिपरेशन इस वीडियो में, इस प्रैक्टिकल में हम देखेंगे। तो इस कोल्ड क्रीम बनाने से पहले हम उसके रिक्वायरमेंट्स देखेंगे। उसके रिक्वायरमेंट्स में केमिकल में हम सबसे पहले लेंगे बीज वैक्स, लिक्विड पैराबीन, बोरेक्स, वाटर, मिथाइल पैराबीन, प्रोपाइल पैराबीन एंड परफ्यूम। उसके बाद एपरेटस हम लेंगे टू बीकर्स, मेजरिंग सिलेंडर, स्पैचुला, पिपेट, ये एपरेटस हम लेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि ये जो केमिकल है वो हमें कितने क्वांटिटी में लेना है और इस केमिकल का यूज़ क्या है वो हम देखेंगे। फार्मूला टेबल हम देखेंगे। फार्मूला टेबल में हम सबसे पहले इंग्रेडिएंट देखेंगे, उसकी क्वांटिटी देखेंगे, उसके बाद उसका उस केमिकल के यूजेस क्या क्या है वो हम देखेंगे। ये जो कोल्ड क्रीम है उसमें जो मॉइस्चराइजर जो देता है, जो हमारे स्किन को मॉइस्चराइजर करता है, वो इंग्रेडिएंट है बीज वैक्स। बीज वैक्स हमें कितना लेना है, 2.4 ग्राम बीज वैक्स हमें लेना है, उसका यूज़ है एज अ मॉइस्चराइजर। उसके बाद सेकेंड इंग्रेडिएंट है हमारा लिक्विड पैराफिन। लिक्विड पैराफिन हमें कितना लेना है, 2.5 ml लिक्विड पैराफिन लेना है और उसका जो यूज़ है वो है इमोलंट, जो क्या करता है हमारे स्किन को क्या करता है वो हमें इमोलेंट करता है, मतलब वो कूलिंग इफेक्ट वो देता है। उसके बाद जो इमल्सिफायर है वो हम उसके इमल्सिफायर यूज़ करते हैं हम, वो इंग्रेडिएंट है बोरेक्स, उसकी क्वांटिटी कितनी है 0.12 ग्राम। उसके बाद हम 4.9 ml हम क्या लेंगे, वाटर लेंगे। उसके बाद 6.27 ग्राम हम मिथाइल पैराबिन लेंगे, उसका यूज़ एज अ प्रिजर्वेटिव होता है, मतलब वो क्या करता है प्रिजर्वेटिव, मतलब वो उस कोल्ड क्रीम को क्या ख़राब होने नहीं देता, वो ज़्यादा देर तक उसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज करता है। उसके बाद 6.3 ग्राम हम क्या लेंगे, प्रोपाइल पैराबिन, वो भी हम एज अ प्रिजर्वेटिव लेंगे। उसके बाद हम इसमें परफ्यूम ऐड करेंगे एज अ क्वालिटी सफिशिएंट, हमें जितना सफिशिएंट है उतना हम परफ्यूम उसमें ऐड करेंगे। तो ये हमने देख लिया फार्मूला टेबल। उसके बाद हम देखेंगे थोड़ा थ्योरी पार्ट उसकी देखेंगे कि कौन से टाइप्स के क्रीम होते हैं। तो थ्योरी पार्ट हम देखेंगे, क्रीम्स आर द दोज इमल्शन विच आर द आइदर ऑयल इन वाटर और वाटर इन ऑयल टाइप। इमल्शन यानी क्या, जिसमें ऑयल और वाटर का मिक्सचर होता है। तो क्रीम क्या है, बेसिकली ऑयल इन वाटर का मिक्सचर होगा या फिर ऑयल वाटर इन ऑयल का मिक्सचर यहाँ पर होगा। उसके दो टाइप होते, टाइप्स ऑफ क्रीम्स, कौन से टाइप्स के क्रीम्स है। सबसे पहले मेकअप क्रीम, जो मेकअप जो कॉस्मेटिक में यूज़ किया जाता है, कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में जो मेकअप क्रीम यूज़ किया जाते हैं उसमें ज़्यादातर के क्या होता है, ऑयल इन वाटर इमल्शन, मतलब यहाँ पर वाटर की जो क्वांटिटी होती है वो ज़्यादा होती है और ऑयल की कम होती है, ताकि वो जो मेकअप है वो ज़्यादा देर तक हमारे स्किन से कॉन्टेक्ट बना रहे। उसके बाद और इसका और एक यूज़ है ऑयल इन वाटर का, ये इजीली वॉशेबल है, मतलब जब हम मेकअप को वॉश करते तो ये इजीली वॉश होती है। उसके बाद हम देखेंगे उसमें जो टाइप है उसमें आते हैं फर्स्ट वैनिशिंग क्रीम, उसके बाद फाउंडेशन क्रीम। ये जो वैनिशिंग क्रीम है इसका भी अलग एक एक्सपेरिमेंट है, वो भी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, इसलिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखना। उसके बाद सेकेंड है क्लिनिजिंग क्रीम, थर्ड क्रीम फॉर विंटर, विंटर में जो क्रीम यूज़ करते उसे कोल्ड क्रीम कहते हैं और यही हम इस प्रैक्टिकल में परफॉर्म करने वाले। फोर्थ है क्रीम फॉर द ड्राई स्किन, जो भी पर्सन की ड्राई स्किन होती है उसके लिए मॉइस्चराइजर क्रीम होती है, उसमें क्या होता है ऑयल ज़्यादा होता है, वो क्या करते हैं हमारे स्किन को मॉइस्चराइज करते हैं। उसके बाद नाइट क्रीम, स्किन प्रोटेक्टेंट, हैंड क्रीम, ये इसके क्रीम्स के टाइप्स हैं। उसके बाद हम देखेंगे कोल्ड क्रीम्स। कोल्ड क्रीम इज एन द इमल्शन ऑफ वाटर एंड सर्टन फैट, यूजली इंक्लूड बीज वैक्स एंड द वेरियस सेंट एजेंट, डिजाइन टू स्मूथ स्किन एंड रिमूव मेकअप। मतलब ये जो क्रीम कोल्ड क्रीम होते हैं उसमें हम क्या क्या यूज़ करते हैं, उसमें हम ऐसे फैट यूज़ करते हैं, ऐसे सेंट यूज़ करते हैं और
और ऐसा इमल्शन हम यूज़ करते हैं जो क्या होता है, रिमूव मतलब वाटर वॉशेबल होता है, मतलब वो क्या होता है, इजीली रिमूव होता है। ये जो कोल्ड क्रीम होती है वो वाटर इन ऑयल टाइप ऑफ इमल्शन होता है, मतलब ऑयल में क्या होता है, वाटर का इंटेक यहाँ पर होता है। तो अभी हम देखेंगे द प्रोसीजर ऑफ कोल्ड क्रीम, कोल्ड क्रीम को कैसे प्रिपेयर करते हैं उसकी प्रोसीजर हम देखेंगे। आपको क्या करना है, बीज वैक्स लेना है, लिक्विड पैराफिन लेना है एंड प्रोफाइल पैराफिन लेना है, और उसमें आपको क्या करना है, वाटर ऐड करना है और उसको क्या करना है, आपको मेल्ट करना है। उसकी क्वांटिटी आपको मैंने फार्मूला टेबल में बताई है कि आपको कितना क्वांटिटी लेना है। आपको बीज वैक्स, लिक्विड पैराफिन लेना है और क्या लेना है आपको, प्रोफाइल पैराफिन। तो यहाँ से आप क्या कर लो, क्वांटिटी आप मेजर करके आप क्या कर लो, उसको वाटर में मिक्स करके उसे मेल्ट कर लो। उसके बाद आपको क्या करना है, मिथाइल पैराबिन को उसमें डिजोल्व करना है और उसके बाद उसको 75 डिग्री तक उसको क्या करना है, हीट करना है। 75 डिग्री होने के बाद मिथाइल पैराबिन ऐड करके उस मिथाइल पैराफिन को आपको क्या करना है, उसमें डिजोल्व करना है, उसको फिल्टर करना है। उसके बाद उसमें एड एक्वियस फेज टू ऑयली फेज विद द कंटिन्यूस स्टरिंग। जो एक्वियस फेज है, जो हमने वाटर लिया था, उसमें आपको क्या करना है, ऑयल फेज उसमें मिक्स करनी है, और मिक्स करने के बाद आपको क्या करना है, ये दोनों सॉल्यूशन को आपको मिक्स कर लेना है और आपको क्या करना है, उसको स्टर करते रहना है। उसके बाद उसको क्या करना है, रूम टेम्परेचर तक कूल होने तक उसको क्या करना है, स्टर करना है। उसके बाद उसमें परफ्यूम ऐड करना है, ऐड परफ्यूम टू द प्रिपरेशन एट द रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर में आने के बाद उसमें परफ्यूम ऐड करना है और ट्रांसफ़र द क्रीम टू द कंटेनर वाइल हॉट। और जो रूम टेम्परेचर है, वो जो सॉल्यूशन जो रूम टेम्परेचर में है, उसको हमें क्या करना है, जो कंटेनर है उसमें हमें ऐड कर देना है। उसके बाद हम देखेंगे उसका लेवल हमें कैसे बनाना है। लेवल में आपको एक बॉक्स बना लेना है, जो प्रिपरेशन आपने बनाया है उसका नाम लिखना है, कोल्ड क्रीम 15 ग्राम हमने बनाई, इंग्रेडिएंट आपको लिखने हैं, स्टोरेज कंडीशन कैटेगरी आपको लिखनी है, आपको बैच नंबर, आपको मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट और MRP आपको डालनी है, और इस तरीके से आपको क्या करना है, कोल्ड क्रीम का लेबल बनाना है और इसको आपको क्या करना है, कंटेनर पर आपको स्टिक करना है। तो इस तरीके से आपको ये आपका प्रैक्टिकल कंप्लीट हो जाएगा। और लास्ट में आपको रिजल्ट लिखना है, 15 ग्राम ऑफ कोल्ड क्रीम प्रिपरेशन एंड सबमिटेड इन द वेल क्लोज कंटेनर वाइल नीट लेबल। तो इस वीडियो में हमने कोल्ड क्रीम का प्रिपरेशन देखा। अगर आपको इस वीडियो में कोई डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो या फिर मुझे डायरेक्टली व्हाट्सअप कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि ऐसे वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास आ सके। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।